अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की बात हो रही है। एक चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, या जेनेटिक्स भी आप बोल सकते हैं, तो वो हमने स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने उसमें कंप्लीट किए थे और एक टॉपिक पे हम पहुंचे थे जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेटे, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, यह हमारा आज का टॉपिक होगा। इंशाल्लाह हम इसी को आगे ले जाते हैं। तो बेटे, सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बेटे तीन एग्जांपल्स से आपको ये इलाबोरेट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले, सेक्स डिटर्मिनेशन, दुनिया में दो किस्म के सेक्सेस है बेटे, मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, हाँ, मेल्स एंड फीमेल्स दो ही किस्म के सेक्स हैं। आधे ऐसे भी होते हैं जो नछुस्त नछस, पता है, वो नहीं है बेटे, वो तीसरा जेंडर नहीं है। जेंडर तो दो ही है, मेल या फीमेल। उनमें एक प्रॉब्लम होती है जिन्हें हम सुपर मेल्स एंड सुपर फीमेल्स बोलते हैं। जो नछुस्त नछस है वो अलग मसला है, आगे इंशाल्लाह हम उसको भी देख लेते हैं। बहरहाल यहां पे जो है वो मसला है सेक्स डिटर्मिनेशन का। बेटे, सेक्स का मतलब है मेल या फीमेल, एंड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पहले ही पता लगाना, प्री टू बर्थ ये डिटेक्ट करना कि मां के पेट के अंदर ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। दैट मीन्स आई कैन से बेटे कि कौन सी चीज है, कौन सा फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है कि मां के पेट के अंदर ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। मेरा मतलब है ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, कौन सी चीज है, उसी को हम बेटे हम देखने जा रहे हैं। तो उसी को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, कि मां के पेट के अंदर अगर ये लड़का बनता है या लड़की बनती है तो कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस लड़के बनने के लिए या इस लड़की बनने के लिए, कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल होती है। वही हम देखेंगे किस पे ये डिपेंड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। ठीक है बेटे, आगे जाएंगे। सबसे पहले बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम नॉर्मली अगर हम एक मेल या एक फीमेल की सेक्स सेल को देखेंगे, सॉरी नॉर्मली एक सेल को देखेंगे, देखिए यह बेटे नॉर्मली एक सेल, ठीक है, हमें पता है यह मेल, हमें पता है ये तो ऑब्वियसली फीमेल होगी। सुनिए बेटे, इस मेल में न्यूक्लियस होता है, विश्वास आप रखते हैं मेरी बात से बेटे, फीमेल में भी न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली बात है। और मेल में बेटे 23 पीयर आप क्रोमोसोम होते हैं, पीयर मीन्स डबल, दैट मीन्स 46 टोटल में होते हैं, 1 2 3 4 5 46। ठीक है, इस तरह बेटे फीमेल में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट मींस बेटे 46 टोटल में होते हैं। क्लियर, आगे देखिए, बट जो 23 पेयर मेल्स में होते हैं उनमें से पहले वाले 22 पेयर जो होते हैं, मेरा मतलब है मेल्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से पहले वाले 22 पीयर क्रोमोसोम्स को हम बेटे ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और लास्ट वाले पीयर को हम, यानी कि 23rd पीयर, तो लास्ट वाले पीयर को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटे? सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर हुआ? दैट मींस कि 23 पीयर मेल्स में होते हैं, पहले वाले 22 पीयर को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, एंड लास्ट वाले पीयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो मैं बता सकता हूं बेटे हक के साथ कि 23rd पीयर जो होता है, जो लास्ट पीयर होता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब अगर हम बेटे फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि 23 पीयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और पहले वाले 22 पीयर क्रोमोसोम जो है बेटे उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो लास्ट वाला है 23rd पीयर लास्ट वाला, उसको हम बेटे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए बेटे, दैट मींस मर्द में और फीमेल में जो लास्ट वाला पीयर होता है, इसमें भी 23rd पीयर, इसमें भी 23rd पीयर, वो कौन सा क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है।
समझ आया बेटे, क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। बाकियों को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो बेटे ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, यही लास्ट वाला पीयर, यही सेक्स क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है मेल बनाने के लिए और फीमेल बनाने के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इंसानों में जो लास्ट वाला पीयर होता है 23rd पीयर, वो मर्द बनाता है या औरत बनाता है। बट बाकी ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बेटे? बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसे ही होता है कि उनमें डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और लास्ट वाला जो उनमें पीयर क्रोमोसोम का होता है उसको भी हम वहां सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। वो रेस्पॉन्सिबल होता है मेल बनाने के लिए या फीमेल बनाने के लिए। हम अब प्रोसीजर को देखते हैं कैसे ये होता है। बट उससे पहले दुनिया में 20th सेंचुरी में दो बंदे आए थे, दो साइंटिस्ट आए थे जो बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने पहले एक कॉन्सेप्ट दिया लोगों में, लोगों के दिमाग में बात छपा दी कि ए लोगों, आपको पता है ये जो मर्द और औरत बनते कैसे हैं? ये सेक्स क्रोमोसोम से बनते हैं। दैट मीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट या सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने दिया। और बेटे और 1905 में वो दो साइंटिस्ट ये बात लोगों को बता रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या, वी कैन डिटरमाइन वेदर ये लड़का बनेगा और गर्ल बनेगी, ठीक है। अब देखिए बेटे वो कौन सा साइंटिस्ट है। एक का नाम था नटाले, NATALI, नटाले स्टीवंस, STEVEN स्टीवंस, ये बेटे एक बंदा था। और दूसरे बंदे का नाम था एडमंड, EDMUND, एडमंड बीचर, BECHER, बीचर विल्सन, WILSON, विल्सन। दैट मीन्स कि दुनिया में दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था नटाले स्टीवंस, दूसरे का नाम था एडमंड बीचर विल्सन। 1905 में वो कॉन्सेप्ट देते हैं, वो हमें सबसे पहले ये बताते हैं कि हम पहले ही बता सकते हैं, यानी कि सबसे पहले जिस बात का सेक्स डिटर्मिनेशन का वजूद इन्हीं दो साइंटिस्ट्स ने दिया। क्या नाम है बेटे इनका? अब बेटे हमारे पास जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, दुनिया में बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, कीड़े भी हैं, समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां हैं, जमीन के ऊपर रहने वाले एनिमल्स हैं, हवा में उड़ने वाले जानवर हैं, ठीक है। अब देखिए अलग अलग सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। बट दुनिया में दो तीन किस्म की सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी कि तीन तरीकों से हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, तीन तरीकों से लड़का बनता है और लड़की बनती है। दैट मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन जो है बेटे ये तीन टाइप्स की होती है, तीन तरीकों की होती है। पहली वाली जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बेटे उसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन नंबर। सुनिए बेटे, डिफरेंस इन नंबर। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन शेप। और तीसरा जो हो रहा है बेटे उसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन साइज। देखिए क्या होता है, हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन है, पहले ही हम ये बता सकते हैं या कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है जो एक मर्द को बनाता है या एक औरत को बनाता है मां के पेट के अंदर। बट ये इसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन बेटे तीन तरीकों की होती है, थ्री टाइप्स की होती है। पहली वाली यानी कि पहला वाला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन नंबर। ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम मर्द में कम होंगे और औरत में ज्यादा, या औरत में ज्यादा मर्द में कम, ये भी एक डिफरेंस हो सकता, यानी कि ये भी सेक्स डिटरमाइन इस पे भी हो सकता है। और दूसरा है डिफरेंस इन शेप, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो है बेटे सेक्स क्रोमोसोम्स की शेप मर्द में कुछ अलग होगी, औरत में कुछ अलग होगी, इस पे भी डिटरमाइन हम कर सकते हैं ये लड़का होगा बनेगी या लड़की बनेगी। तीसरा जो है बेटे डिफरेंस इन साइज, मर्द में सेक्स क्रोमोसोम कुछ अलग साइज का होगा और औरत में कुछ अलग साइज का होगा, तो हम बता सकते हैं इस अगर ये वाला क्रोमोसोम आया तो मर्द बनेगा, अगर ये वाला क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल बनेगी, ठीक है बेटे। दैट मीन्स कि थ्री टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है हमारे पास, डिफरेंस इन नंबर, डिफरेंस इन शेप, डिफरेंस इन साइज। बट किस
डिफरेंस इन नंबर किन का नंबर? सेक्स क्रोमोसोम्स का नंबर. डिफरेंस इन शेप किसकी शेप? सेक्स क्रोमोसोम्स की शेप. डिफरेंस इन साइज किसका साइज? सेक्स क्रोमोसोम्स का साइज. ठीक है बेटे, दैट मींस सेक्स क्रोमोसोम्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. इसलिए हम सेक्स क्रोमोसोम्स ही का नंबर, उन्हीं की शेप, उन्हीं का साइज यानी कि देखते हैं. ठीक है बेटे, अब हम यहां पे सबसे पहले बेटे देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म की हम एग्जांपल लेंगे और पहला हम देखेंगे डिफरेंस इन नंबर. अब बेटे सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस इन नंबर. डिफरेंस इन नंबर का मतलब एक ऑर्गेनिज्म की मैं एग्जांपल यहां पे दूंगा, उसमें मर्दों में कम क्रोमोसोम्स होंगे या ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे एज कंपेयर टू उनकी फीमेल से. दैट मींस इससे हमें पता चलेगा, देखिए डिफरेंस इन नंबर है, मर्द में कम क्रोमोसोम्स औरत में ज्यादा, ठीक है ना. इससे भी हमें क्या पता चलेगा? नहीं, ये डिटर्मिनेशन है. अब देखिए बेटे एक एग्जांपल हम लेंगे बेटे ग्रॉस होपर की. ग्रॉस होपर जो है बेटे उसमें टोटल में 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. अब अगर उसमें टोटल में 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट मींस टोटल में उसको होते हैं 24 क्रोमोसोम्स. टोटल में उसको होते हैं 24 क्रोमोसोम्स. टोटल में पीयर नहीं, पीयर होते हैं 12 और टोटल में 24 क्रोमोसोम्स. अब बेटे बट अगर हम बात करेंगे ग्रॉस होपर जो है बेटे उसमें टोटल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट अगर हम ग्रॉस होपर के मेल्स की बात करेंगे बेटे, इनके मेल्स में बेटे टोटल में होते हैं कितने? 23 क्रोमोसोम्स. टोटल में 23 क्रोमोसोम्स. सर तू महज अस्तान की फिरत आमद, अभी आपने बोला ग्रास होपर में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी आप खुद बता रहे हैं मेल्स में ग्रास होपर के मेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या हर्ज दलील? बेटे अभी ये मसला मेरे ऊपर कर्जा. अब देखिए अगर हम ग्रास होपर की फीमेल्स की बात करेंगे बेटे, किनकी? औरतों की. ग्रास होपर की फीमेल्स की बात करेंगे, उसमें बराबर 24 क्रोमोसोम्स होते हैं. दैट मींस ग्रास होपर एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में रहता है, उसमें टोटल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं. दैट मींस उनके मेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और उनकी फीमेल्स में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब देखिए बेटे मसला क्या होता है, अगर हम ग्रास होपर की मेल्स की बात करेंगे बेटे, इधर देखिए जब ये क्या बनाते हैं, इधर के जब ये बेटे सेक्स सेल बनाते हैं, सेक्स सेल के बनने को हम सुपरमेटोजेनेसिस बोलते हैं. बेटे जब ग्रास होपर के मेल्स क्या बनाते हैं बेटे? सेक्स सेल्स बनाते हैं. और इनकी कुछ सेक्स सेल्स में कितने? 11 पेयर आते हैं. कितने आते हैं बेटे? यानी कि ग्रास होपर जो है बेटे, इनकी कुछ सेक्स सेल्स में, ग्रॉस ऊपर के जो मेल्स हैं, इन मेल्स की कुछ सेक्स सेल्स में 11 क्रोमोसोम्स टोटल आते हैं. और कुछ सेक्स सेल्स इनकी ऐसी होती हैं, उनमें टोटल में 12 क्रोमोसोम्स आते हैं. दैट मींस बेटे कि जो ग्रॉस ऊपर के मेल्स हैं, मेल्स में टोटल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल में. बट जब ग्रॉस ऊपर के मेल्स क्या सेक्स सेल्स बनाते हैं, कुछ सेक्स सेल्स में 11 क्रोमोसोम्स आए और कुछ सेक्स सेल्स में बाय द चांस 12 क्रोमोसोम्स आए. कितने आए? क्योंकि सेक्स सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है. और मेल्स ने जब सेक्स सेल बनाए, कुछ सेक्स सेल्स में 11 क्रोमोसोम्स आए, कुछ में 12 क्रोमोसोम्स आए बाय द चांस. बट जब बेटे फीमेल ग्रास होपर क्या बनाते हैं? सेक्स सेल. और एक किस्म की सेक्स सेल में 12 क्रोमोसोम्स आते हैं, दूसरी किस्म की सेक्स सेल में उसमें भी 12 क्रोमोसोम्स आते हैं. दैट मींस फीमेल ग्रास होपर जो है उसकी सेक्स सेल में बराबर कुछ सेक्स सेल्स में 12 क्रोमोसोम्स आते हैं और जो दूसरी सेक्स सेल्स है उनमें भी 12 क्रोमोसोम्स आते हैं. समझ आया? खाली मर्दों में या तो उनकी सेक्स सेल में 11 क्रोमोसोम्स आएंगे या तो 12 क्रोमोसोम्स आएंगे. बट बेटे क्या होता है, अगर ये 11 क्रोमोसोम वाली सेक्स सेल मिल जाएगी फीमेल सेक्स सेल के साथ, तो टोटल में 11 प्लस 12 कितने हो गए बेटे? 23. दैट मींस ये 23 वाला बच्चा बनेगा. मींस कि ये वो वाला बच्चा बनेगा जिसमें 23 क्रोमोसोम्स आएंगे बेटे. 23 पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम्स
ग्रास हॉपर के किस वाले जेंडर में होता है? मेल इसमें होता है ना, दैट मींस या मेल बनेगा बेटे। अगर ये यानी कि जो ग्रास हॉपर की जो के जो मेल्स हैं उसने जब सेक्स सेल बनाई, वो जिस सेक्स सेल में 12 क्रोमोसोम्स आए बेटे, अगर एक 12 क्रोमोसोम वाली सेक्स सेल मिल जाएगी किसके साथ? फीमेल सेक्स सेल के साथ बेटे, क्या बनेगा? 12 + 12 क्रोमोसोम कितने हो गए? 24 बेटे। इसका मतलब है 24 वाला जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना, जो जायगोट बना बेटे, ये जायगोट बच्चा बनाएगा, ये कौन सा बच्चा होगा? इसमें 24 क्रोमोसोम्स होंगे। जरा आप खुदारा मुझे बताइए बेटे कि 24 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ग्रास हॉपर के किस वाले जेंडर में होते हैं? वो बेटे फीमेल्स के पास होते हैं। हम बोल सकते हैं बेटे, क्या मैं हक के साथ ये बात बोल सकता हूं कि ग्रास हॉपर के जो मेल्स हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि ग्रास हॉपर की जो 11 क्रोमोसोम वाली जो सेक्स सेल है, जब वो मिलेगी फीमेल सेक्स सेल के साथ तो बेटे 23 क्रोमोसोम्स ही बनेंगे। हाँ, अगर ग्रास हॉपर के मेल की यानी कि 12 क्रोमोसोम वाली सेक्स सेल मिलेगी फीमेल सेक्स सेल के साथ तो 24 वाला क्रोमोसोम से स्ट्रक्चर बनेगा तो एक फीमेल बनेगी। तो बेटे ग्रास हॉपर के मेल्स और ग्रास हॉपर के फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स में डिफरेंस होती है, डिफरेंस इन नंबर होती है, नंबर में फर्क होता है। मेल्स में एक क्रोमोसोम कम होता है और फीमेल्स में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। तो बेटे ग्रास हॉपर बनता कैसे है? ग्रास हॉपर बेटे इसलिए बनता है क्यों, यानी कि उनके मेल्स और फीमेल्स क्यों कैसे बनते हैं बेटे? जब मेल से आई क्या 11 क्रोमोसोम वाली सेक्स सेल तो बेटे जब वो फीमेल के साथ मिलेगी तो मेल बनेगा। अगर वहां से 12 क्रोमोसोम यानी कि सेक्स सेल क्रोमोसोम वाली सेक्स सेल आ गई तो बेटे यहां से क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। दैट मींस ये डिपेंड करता है ग्रास हॉपर में मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये एक मेल पे डिपेंड करता है, एक मेल की सेक्स सेल पे डिपेंड करता है। क्या मेल की मेल से जो सेक्स सेल आई क्या वो 11 वाली सेक्स सेल आई या 12 क्रोमोसोम वाली सेक्स सेल आई बेटे? अब हम दूसरा जो टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो है डिफरेंस इन शेप। ठीक है, अब देखिए बेटे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी, यानी कि इसकी एग्जांपल है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई एक बेटे एक ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म। देखिए बेटे सबसे पहले यानी कि डिफरेंस इन शेप सेक्स डिटर्मिनेशन ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था उस साइंटिस्ट बेटे, वो नोबेल प्राइज विनर भी हैं, वो एक बायोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है T.H. Morgan। क्या है बेटे? T.H. Morgan। T.H. Morgan एक बेटे बंदा है, उसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ही दिया, उसने सबसे पहले बताया कि ये लोगों मैं आपको बताता हूं कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेल्स कैसे बनते हैं और फीमेल्स कैसे बनती है। ठीक है बेटे, इधर देखिए तो यानी कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में मेल्स भी होते हैं, क्या होते हैं? मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं। बट बेटे ये मेल्स और फीमेल्स में फर्क क्या होती है, किस पे डिपेंड करता है कि ड्रोसोफिला मेल बनेगा या फीमेल बनेगी अपनी मां के पेट के अंदर? बेटे इनमें डिफरेंस इन शेप है, इनका जो सेक्स क्रोमोजोम है उसमें शेप में डिफरेंस होगी, फीमेल्स में शेप में डिफरेंस होगी, सेक्स क्रोमोजोम के शेप में, ऑटोसोम क्रोमोजोम में नहीं, सेक्स क्रोमोजोम के शेप में डिफरेंस होगी। देखिए बेटे टोटल में ड्रोसोफिला में टोटल में बेटे इसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेयर टोटल में, समझ आया? बट 3 पेयर जो होते हैं 3 पेयर वो बेटे उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं और लास्ट वाला पेयर होता है यानी कि लास्ट वाला पेयर बेटे उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। यही लास्ट वाला पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम बोलते हैं ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के मेल्स में, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो बेटे हुक जैसा होता है, हुक, ठीक है ना, हुक लाइक ऐसे होता है। देखिए बेटे हुक लाइक, ठीक है ना, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के जो मेल्स होते हैं उनमें लास्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम हुक लाइक होता है। क्या होता है बेटे? हुक लाइक होता है। बट अगर हम बेटे उनके फीमेल्स की बात करेंगे बेटे, उन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है दैट मींस लास्ट वाला क्रोमोसोम वो बेटे रॉड शेप्ड होता है। क्या होता है? वैसे रॉड शेप्ड होता है। दो वी कैन से इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई इन मेल्स ऑफ ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई सेक्स क्रोमोसोम इज हुक लाइक एंड इन फीमेल्स ऑफ ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई सेक्स क्रोमोसोम इज रॉड शेप्ड। ठीक है बेटे, तो इस पे डिपेंड करता है, अगर हुक लाइक है
दो ये मेल होगा, अगर बेटे रॉड शेप है ये क्या होगी, ये नाभकारी होगी, ये फीमेल होगी। अब तीसरा जो है बेटे हमारे पास वो है जो तीसरा टाइप है सेक्स, यानी कि डिफरेंस इन साइज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। दैट मींस अगर हम इनकी एग्जांपल देखेंगे बेटे वो है ह्यूमन बीइंग्स। कौन है? ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स बेटे। याद रखिए जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें साइज में डिफरेंस होती है, सेक्स क्रोमोसोम जो है उनमें टोटल में बेटे जो ह्यूमन बीइंग्स है टोटल में उनके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो पहले वाले 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो लास्ट वाला पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। याद रखिए बेटे जो मेल्स होते हैं, जो इंसानों के ह्यूमंस के जो बेटे मेल्स होते हैं, मेल्स में जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स, ए का नाम होता है एक्स, दूसरे का नाम होता है वाई। क्या मतलब सर? देखिए बेटे क्या होता है, जो इंसान होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में रहते हैं, 23 पेयर टोटल में होते हैं, पहले वाले 22 पेयर को छोड़ दीजिए उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, बट जो लास्ट वाला पेयर होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। दैट मींस बेटे जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है वो भी पेयर में रहेगा ना। अब देखिए लास्ट वाला पेयर जो होता है मेल्स में भी लास्ट वाला पेयर होता है, पेयर मीन्स जोड़ा बेटे। देखिए लास्ट वाला पेयर होता है मेल्स में भी, एक का नाम होता है एक्स, दूसरे का नाम होता है वाई, और जो फीमेल्स होती है बेटे ह्यूमन बीइंग्स की उनका जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है, उनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यानी कि वो भी पेयर में रहता है, एक का नाम होता है एक्स, दूसरे का नाम होता है एक्स। दैट मींस बेटे मैं बोल सकता हूं इंसान जो होते हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो भी पेयर में रहता है, जो मेल्स होते हैं उनमें भी पेयर में रहता है, जो फीमेल्स होती हैं उसमें भी पेयर में रहता है, जो मेल्स होते हैं उस पेयर का नाम होता है, एक का नाम होता है एक्स वाई, और दूसरे का नाम फीमेल्स में जो पेयर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है उसका नाम होता है एक्स एक्स। ठीक है बेटे, बट याद रखिए जो बेटे मेल्स में जो ये वाई वाला होता है ये स्मॉलर इन साइज होता है, छोटा होता है साइज में, और फीमेल्स में एक्स एक्स दोनों क्या होते हैं लार्जर साइज में, और मेल्स में एक्स होता है लार्जर, वाई होता है वाई क्रोमोसोम क्या होता है स्मॉलर, और फीमेल्स में दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं लार्जर इन साइज। तो हम बोल सकते हैं कि साइज में डिफरेंस है ना, मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो बेटे छोटा होता है साइज में, और फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो लंबा होता है साइज में। क्या ये बेटे डिफरेंस नहीं है? क्या ये डिफरेंस नहीं है कि जो डिफरेंस इन साइज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो है बेटे, मेल्स में क्रोमोसोम का साइज अलग होता है, कम होता है, फीमेल्स में क्रोमोसोम का साइज ज्यादा होता है। अगर बेटे इधर के अगर यहां से कभी मेल से आएगा एक्स और फीमेल से आएगा एक्स, क्या बनेगा एक्स एक्स, क्या बनेगा बेटे ये बनेगा एक्स एक्स, मीन्स एक लड़की ये गर्ल बनेगी। अगर मेल से आया वाई, फीमेल से आया एक्स, क्या बनेगा एक्स वाई, दैट मीन्स एक लड़का बनेगा। तो हम बोल सकते हैं किस पे डिपेंड करता है इंसान में, किस पे डिपेंड करता है क्या मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, सेक्स क्रोमोसोम्स ही पे डिपेंड करता है। बट बेटे सेक्स क्रोमोसोम्स ऐसा क्या होता है जो मेल और फीमेल बनाता है बेटे? उनमें क्रोमोसोम में साइज की डिफरेंस होती है इंसानों में। अगर वाई आया तो बेटे लड़का बनेगा, अगर मेल से एक्स ही आया तो एक लड़की बनेगी। क्या डिफरेंस नहीं है बेटे? इसी को हम बोलते हैं यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन। हम कैसे पता लगा सकते हैं, पहले ही हम कैसे बोल सकते हैं ये यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी? बट हमने देखा तीन तरीकों से हम पता लगा सकते हैं ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। तीन तरीके हैं यानी कि कैसे मेल बनता है, कैसे फीमेल बनती है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक।